नैनीताल राजभवन में 18वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज टी ऑफ कर टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। राजभवन में 19 मई से 21 मई तक चलने वाले इस गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 125 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। नैनीताल गोल्फ कोर्स में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ को बढ़ावा देना है ताकि नई पीढ़ी गोल्फ के प्रति आकर्षित हो सके। इस बार प्रतियोगिता में 103 साल के गोल्फर आकर्षण का केंद्र बने हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज टी ऑफ कर गोल्फ कप का विधिवत शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता जूनियर, सीनियर, महिला और सुपर सीनियर वर्ग में खेली जाएगी। नैनीताल राजभवन में मौजूद गोल्फ कोर्स की विशेष खासियत रही है। ये गोल्फ कोर्स देश के अन्य गोल्फ कोर्सों के मुकाबले काफ़ी अलग है। जहां दूसरे गोल्फ कोर्स खुले मैदान की तरह होते हैं, वहीं नैनीताल राजभवन का गोल्फ कोर्स घने जंगलों के बीच है, जिससे पूरा गोल्फ कोर्स नज़र नहीं आता। इसके चारों ओर घने जंगल हैं। गोल्फ कोर्स के मैदान भी सीढ़ीदार स्थिति में मौजूद है, लिहाजा यहाँ खेलना गोल्फर के लिए एक बेहद चुनौती भरा रहता है। आज बहुत खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि आज हमने राजभवन गोल्फ कोर्स का 18th गवर्नर कप का शुभारंभ किया है। इसके अंदर में 125 प्लेयर आ रहे हैं, जिसके अंदर में 9 महिला हैं और बच्चे हैं। और मैं कहूँगा कि आज का ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ अपने आप में अद्भुत है। 2 6 साल के बच्चे हैं और 5 मोर देन 75 ईयर्स, जिसको हम सुपर वेटरन कहते हैं, वो हैं। और एक हमारे खिलाड़ी, सम्मानित खिलाड़ी ऐसे हैं जो पुराने एयरफोर्स के ऑफिसर, जो फाइटर पायलट, 103 साल के हैं। मैं कहूँगा कि इन सब का इकट्ठा होना ही अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान है। ये जो गोल्फ कोर्स है 200 एकड़ में है और अपने आप में एक अलग ही अद्भुत गोल्फ कोर्स है। इसको हम सब की जिम्मेवारी है कि उत्तराखंड के, नैनीताल के इस अति सुंदर गोल्फ कोर्स का नाम पूरे दुनिया में शामिल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि दुनिया के जितने भी गोल्फर्स हैं वो यहाँ पे आएं, आनंद उठाएं। एयर मार्शल अजीत भोसले भी गोल्फ खेलने नैनीताल पहुँचे हैं। उनका भी मानना है कि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अंतर होता है और नैनीताल का ये गोल्फ कोर्स भी इसलिए देश में सबसे अलग है। यहाँ खेलना दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ वादियाँ और पेड़ हैं। जंगल को ध्यान में रखते हुए इस गोल्फ कोर्स को बनाया गया है, जिससे गोल्फर की चुनौती बढ़ जाती है। यहाँ ऊँचाई के हिसाब से भी बॉल अलग तरह से व्यवहार करती है। मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बदल होता है। एक तो यहाँ पर वादियाँ हैं, पेड़ हैं, और जिस तरह से जंगल को हताश न करते हुए इन्होंने जो बहुत प्यार से बनाया है, यहाँ मेंटेनेंस करने की बहुत चुनौती है और यहाँ खेलने के लिए भी बहुत चुनौती है। और यहाँ पर एलिवेशन के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से भी बॉल अलग तरफ से बिहेव करता है। ये बहुत ही अलग माहौल है और आह्लादायक है। खिलाड़ियों को इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है कि जिससे वो तंग हो जाए, उनको मज़ा आ रहा है हालांकि, क्योंकि एक अलग ही किस्म का गोल्फ कोर्स है, तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, कोई किसी को बुरा नहीं लग रहा है, खेल रहे हैं। वहीं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से सांसद केसी नैनी श्रीनिवासन भी गोल्फ के काफ़ी शौकीन हैं और वो भी यहाँ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुँचे हैं। श्रीनिवास का कहना है कि क्योंकि नैनीताल का गोल्फ कोर्स प्राकृतिक है, इसलिए यहाँ खेलना मुश्किल भी हो जाता है। श्रीनिवास ने नैनीताल गोल्फ कोर्स को बेस्ट बताया और कहा कि उन्हें यहाँ खेलना काफ़ी पसंद है। इसके साथ ही उन्हें नैनीताल का मौसम काफ़ी पसंद आ रहा है, तो ऐसे में खेल का आनंद दोगुना हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी नेचुरल कोर्स एंड टफ कोर्स। दिस इज़ द बेस्ट कोर्स आई हैव एवर प्लेड अंटिल नाउ, सच ए नेचुरल कोर्स। आई लव दिस प्लेस एंड द कोर्स इज़ गुड, द organizing is good and the weather is super, so we are enjoying golfing. Nice event. We have to organize more events here because it will be boosting the tourism also. So I think more encouragement is required for golfing here in Nainital. बता दें कि नैनीताल का ये गोल्फ कोर्स 45 एकड़ में बना है और इसमें 18 होल्स हैं। इस गोल्फ कोर्स में प्रत्येक प्रतिभागी को लगभग 4 किलोमीटर ऊपर नीचे चलना पड़ता है, जो उनकी फिटनेस का भी प्रमाण देता है। इसके साथ ही होल नहीं दिखते हैं और पेड़ों के बढ़ते आकार के कारण बॉल को सीधे होल तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता है।
लवली शॉट गुड शॉट बहुत बातचीत मत करो भाई।